लव जिहाद के बढ़ रहे किस्से अंतर्गत एकता वही लक्ष्य संगठन द्वारा आज कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र लिया गया। देश में बढ़ रही लव जिहाद की घटना का विरोध करते हुए आज एकता वही लक्ष्य संगठन द्वारा आवेदन पत्र देते हुए विरोध व्यक्त किया गया। हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या और कुछ ही दिनों पहले फरीदाबाद में भी की गई हिंदू लड़की की फायरिंग कर हत्या करने का घटना का विरोध करते हुए आज एकता वही लक्ष्य संगठन द्वारा विरोध करते हुए आवेदन पत्र दिया था, जिसमें बलात्कारी तथा अपराधियों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा देने की मांग करते हुए पक्ष रखा गया था। फरीदाबाद में वल्लभगढ़ना हिंदू समाज की दीकरी नाम निकिता तोमर एनी जे सरेआम एक मुस्लिम युवक द्वारा जे रीते गोली मारी ने हत्या करवामां आवी छे, आज रोज एकता एज लक संगठन द्वारा अमे कलेक्टर श्री ने आवेदन पत्र आपवा आवीए छीए। शुं मांग छे तमारी? अमारी मांग छे के जे रीते समग्र भारत देश नी अंदर लव जेहाद दीमकनी माफक प्रसरी रह्यो छे, फैलाई रह्यो छे अने एनू शोषण हिंदी दीकरीओ थई रही छे, तो अमे कलेक्टर श्री ने अने नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपील करीए छीए के आवा तत्वों ने सख्त में सख्त फांसी जेवी सजा थाय, ए ज अमे मांगणी करीए छीए। घटना क्यारे घटी छे? शेनी घटना? फायरिंग वाली घटना। लगभग एने 10 दिवस ऊपर थई गयुं छे। हाँ, એટલે અમે આજે કેવું છે, આજે એકતા એજ લક્ષ્ય સંગઠન દ્વારા આખા ગુજરાતભરના જેટલા પણ જિલ્લા છે, એક દરેક જિલ્લામાંથી અમે આવેદનપત્ર આપવાના છીએ. મારું નામ કૃપાલસિંહ રાઠોડ.